नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्विक आंसर के ऊपर। दोस्तों मैं जानता हूँ वीडियो थोड़ा सा लेट है, पर मैं चाहता हूँ रोज़ एक वीडियो बनाना, लेकिन कुछ काम की वजह से मैं ऐसा नहीं कर पाता हूँ। लेकिन दोस्तों फिर भी मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा और आगे से एक वीडियो डेली लाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि प्लास्टिक का निर्माण कैसे होता है। पिछले वीडियो में दोस्तों हमने जाना था कि पेट्रोल कैसे बनता है, पेट्रोलियम क्या होता है और इससे कैसे अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग चीज़ों को निकाला जाता है। दोस्तों पेट्रोलियम वो क्रूड ऑयल होता है जिसे ज़मीन और समुद्र के अंदर से खोदकर निकाला जाता है। दोस्तों अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिए, वरना आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। दोस्तों उसी पेट्रोलियम से अलग अलग टेम्परेचर पर गर्म करने की वजह से नेप्ता नामक एक पदार्थ प्राप्त होता है और दोस्तों इसी नेप्ता के से प्लास्टिक का निर्माण होता है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्लास्टिक नेप्ता से कैसे अलग किया जाता है और नेप्ता किस तरीके से प्लास्टिक का निर्माण करने में सहायक है। दोस्तों हम ये तो जानते हैं कि प्लास्टिक को इजीली डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। इसे दोस्तों कई सालों तक ज़मीन के अंदर गड्ढे में डालकर हाई प्रेशर पर रखने पर भी यह डिस्ट्रॉय ना के बराबर होता है, किंतु फिर भी अगर यह डिस्ट्रॉय हो भी जाता है तो भी उसके आसपास की ज़मीन को उर्वरकता ख़त्म कर देता है तथा उस ज़मीन को कठोर पत्थर में बदल देता है। और इसके अलावा इससे जलाने पर भी यह बहुत ही एक हानिकारक विषैली जेल कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकालता है, जो दोस्तों इतनी जहरीली होती है कि पोल्यूशन का सबसे मुख्य कारणों में से एक होती है। तो दोस्तों प्लास्टिक एक नॉन डिस्ट्रॉयर पदार्थ होता है जो कि एक बहुत ही हानिकारक गैस के रूप में जन्म लेता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्लास्टिक बनता कैसे। हमने बात की थी कि दोस्तों क्रूड ऑयल को गर्म करने पर उससे नेप्थलीन निकाला जाता है, इसी से दोस्तों प्लास्टिक बनता है। दोस्तों नेप्थलीन एक बहुत ही जटिल और कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन होता है जो कि कार्बन की जटिल और लंबी साइक्लिक चेन से बना होता है। दोस्तों नेप्थलीन को क्लीन करने के लिए इसे नेप्थलीन क्रैकिंग सेंटर में ले जाया जाता है, जहाँ नेप्थलीन को अलग अलग प्रोसेस से गुजारा जाता है, जो दोस्तों आप स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में देख सकते हैं। जैसे कि दोस्तों नेप्थलीन को थर्मल क्रैकिंग प्रोसेस, क्विकिंग प्रोसेस, कॉम्प्रेस प्रोसेस तथा रिफाइनरी प्रोसेस इन आदि से गुजारा जाता है। नेप्थलीन क्रैकिंग की इस डिफरेंट प्रोसेस से डिफरेंट टाइप की गैसें मिलती है, जैसे इथाइलिन, प्रोपाइलिन, ब्यूटाइलिन और पेट्रोलियम इथर गैसेस। दोस्तों फिर जिस टाइप की हमें प्लास्टिक चाहिए, हम इन गैस की रिएक्शन डिफरेंट टाइप के चैम्बर केमिकल से करवाते हैं, फिर इसको एक चैम्बर में भेज दिया जाता है। इसमें इन गैसों का पॉलीमराइजेशन होता है तथा मोनोमर गैस जिस चैम्बर में भेजा जाता है उससे छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में मिलकर बड़ी सी एक पॉलीमर चेन का निर्माण करते हैं और इस प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहते हैं। पॉलीमराइजेशन की इस प्रोसेस में डिफरेंट टाइप के पॉलीमर से डिफरेंट टाइप की प्लास्टिक का निर्माण किया जाता है, जैसे पॉलीथीन, पॉलीकार्बन आदि, और इस प्लास्टिक का यूज़ अलग अलग जगह किया जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि प्लास्टिक को रिसाइकल कैसे किया जाता है। दोस्तों ख़राब प्लास्टिक को एक मशीन में डाल दिया जाता है जिससे कि प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। ये टुकड़े हर टाइप की प्लास्टिक के मिक्सचर होते हैं, फिर इन टुकड़ों को एक दूसरी मशीन में डालकर जिससे कि हार्ड और सॉफ्ट टुकड़े अलग हो जाते हैं। इन टुकड़ों को आवश्यकता अनुसार चीज़ें बनाने के लिए एक दूसरी मशीन में डाल दिया जाता है, जिससे कि प्लास्टिक की अलग अलग चीज़ें जैसे बोतलें तथा और भी प्लास्टिक की कुर्सियाँ वगैरह बनाई जाती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों अगर आपको प्लास्टिक के इस रिसाइकलिंग मशीन को ख़रीदना है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। दोस्तों आप एक बहुत ही अच्छा सा बिज़नेस चालू कर सकते हैं जिससे कि आप आसानी से ग्रो कर पाएंगे। दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप प्लास्टिक की इस कटिंग मशीन को ख़रीद सकते हैं।
दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।